नमस्कार दोस्तों, तो मीडिया टेक वालों ने आज एक बिल्कुल नया प्रोसेसर लॉन्च कर दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रोसेसर का नाम है डायमेंसिटी 6080, जो कि एक्चुअली अभी जो लॉन्च हुआ है डायमेंसिटी 6020 उसका एक अपग्रेड वाला वर्षन है, या फिर लास्ट ईयर जो लॉन्च हुआ था डायमेंसिटी 700 उसका भी अपग्रेड वर्षन होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो डायमेंसिटी 6080 जो प्रोसेसर लॉन्च हुआ है इसका फुल स्पेसिफिकेशन और ये जो प्रोसेसर प्राइस पॉइंट में अवेलेबल बाकी प्रोसेसर के मुकाबले कितना बेटर है, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेटल चैनल पर नए हैं और ऐसी सीपीयू रिलेटेड कंटेंट हर बार सबसे पहले पाना चाहते हैं तो गैजेटल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो बेल आइकॉन है उसे भी जरूर दबा देना, जिससे कि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले तो हम बात करेंगे इस प्रोसेसर के नाम के बारे में। इसका ऑफिशियल नाम है डायमेंसिटी 6080 5G। ये जो प्रोसेसर 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है, ऑब्वियसली इसका आर्किटेक्चर ही TSMC की तरफ से। अगर कोर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें आपको 2+6 कोर स्ट्रक्चर मिलेगा। ये जो दो परफॉर्मेंसेस का कोर वो एक्चुअली है Cortex-A76 कोर जिसका स्पीड है 2.4 GHz, उसके साथ 6 पावर एफिशिएंसी जिसका Cortex-A55 कोर है जिसका स्पीड है 2.0 GHz। मतलब इस प्राइस पॉइंट में जो डायमेंसिटी 700 या फिर दूसरे जो प्रोसेसर है एग्जैक्टली सेम टाइप का कोर इसमें आपको मिलेगा। रैम और स्टोरेज की बारे में बात करते हैं, इसमें आपको डुअल चैनल LPDDR4X तक का रैम का सपोर्ट मिलेगा जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 2133 MHz। इसके रैम का मेमोरी बैंडविड्थ 17.1 GBPS और ये जो रैम आप मैक्सिमम 12 GB वाले कोई स्मार्टफोन में इस्तेमाल कर सकते, उसके ज्यादा वाले जो रैम उसमें ये जो प्रोसेसर को सपोर्ट नहीं करेगा। स्टोरेज के मामले में इसमें आपको मैक्सिमम UFS 2.2 तक का ऑप्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर डिस्प्ले के बारे में बात करते तो इसमें आपको मैक्सिमम फुल HD प्लस तक डिस्प्ले का सपोर्ट मिलेगा जिसका रिफ्रेश रेट है 120Hz और जो वीडियो प्लेबैक उसमें आपको मिलेगा मैक्सिमम 2K क्वालिटी में वीडियो प्लेबैक का ऑप्शन। कैमरे की अगर बात करें तो इसमें आपको 108 MP कैमरा का ऑप्शन मिलेगा। मतलब ये चीज देख मुझे बहुत ही बढ़िया लगा क्योंकि ये जो प्रोसेसर पहली बार तो 5G है और 5G के अंदर बजट रेंज में जनरली आपको 108 MP का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको 108 MP का सिंगल कैमरा में और डुअल कैमरा में 16 MP का ऑप्शन मिलेगा। तो मतलब इससे हम ये चीज गेस कर सकते हैं बहुत ही जल्द हमें 10,000 से 15,000 रुपए के अंदर 5G विद 108 MP कैमरे वाले फोन भी मिल जाएगा। और अगर इसके वीडियोग्राफी के बारे में बात करें तो इसमें आपको 2K वीडियो 30fps और फुल HD वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग का फीचर मिलेगा। नेक्स्ट अगर इसके नेटवर्क सपोर्ट की बारे में बात करते हैं, इसमें आपको 6 GHz 5G का ऑप्शन मिलेगा जो कि रन करेगा मैक्सिमम 120Hz बैंडविड्थ पे। एक चीज ध्यान में रखना कि इसमें आपको कोई भी MMOF 5G का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इस मॉडेम का 5G में डाउनलोड स्पीड है 2.77 GBPS। इसके अलावा इसमें आपको Wi-Fi 5, डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1 और नेविक का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो मतलब कैसा था कि प्राइस पॉइंट की सब चीज का जो नेटवर्क वो सही है। प्रोसेसर की अगर बात करें इसमें आपको मिलेगा Mali-G57 MC2 क्वालिटी का ग्राफिक्स कार्ड। मतलब ये एग्जैक्टली सेम ग्राफिक्स कार्ड है जो कि हमें डायमेंसिटी 700 वाले प्रोसेसर में मिलता है। इसका Antutu ग्राफिक्स कार्ड में स्कोर है 82,000 के आसपास। Antutu स्कोर की अगर बात करें, वैसे इसका जो Antutu स्कोर वो अभी तो रिवील नहीं हुआ है, लेकिन जितना मुझे लग रहा है इसका Antutu स्कोर होगा 3,50,000 से लेकर 4,00,000 के आसपास। मतलब कैसा था कि इसका जो Antutu स्कोर वो ऑलमोस्ट डायमेंसिटी 810 के आसपास होगा। और इसके बाद फाइनली अगर हम इसके Geekbench स्कोर की बारे में बात करें तो इसका सिंगल कोर में स्कोर कहा जाए कि होगा 600 से थोड़ा सा ज्यादा और मल्टी कोर में स्कोर होगा 1800 से थोड़ा सा ज्यादा। तो यही था डायमेंसिटी 6080 के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन। तो देखिए वीडियो के आखिर में अगर मैं मेरा ओपिनियन देता हूँ तो मैं तो बस यही बोलना चाहूंगा, मैं नेक्स्ट वीक मेरे तरफ से एक नया प्रोसेसर लॉन्च कर दूंगा जिसका नाम होगा डायमेंसिटी 6030। उसमें क्या इंप्रूवमेंट होगा, जो डायमेंसिटी 6020 लॉन्च हुआ था उसका मैक्सिमम CPU स्पीड था 2.2 GHz, इस 6080 का मैक्सिमम स्पीड है 2.4 GHz, मतलब बीच में एक गैप है 2.3 GHz। तो जो नया वाला प्रोसेसर है उसमें आपको मिलेगा 2.3 GHz और हो गया नया प्रोसेसर। अभी एक्चुअली सभी ब्रांड सेम चीज कर रहा है क्योंकि जो डायमेंसिटी 6020 और जो 6080 दोनों के अंदर बस दो इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। उस वाले पे मैक्सिमम आपको मिल रहा था 64 MP कैमरे का सपोर्ट, इसमें आपको मिलेगा 108 MP कैमरे का सपोर्ट। 6020 में CPU का मैक्सिमम स्पीड है 2.2 GHz, इसका स्पीड है 2.4 GHz और बस हो गया बिल्कुल नया प्रोसेसर। और अगर हम इसके प्राइस की बारे में बात करें, मतलब किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होगा, तो देखिए डायमेंसिटी 6020 वाले फोन इंडिया पे
जाएगा 10,000 के आसपास। तो मुझे इतना लग रहा है कि ये जो प्रोसेसर इंडिया में लॉन्च हो सकता है वही 13 से 15,000 के आसपास, 15,000 के ऊपर पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अभी आप मुझे कम से जरूर बताने 6080 के साथ कौन कौन से प्रोसेसर का कंपैरिजन देखना चाहेंगे। ऑब्वियसली कोई एक फोन लॉन्च होने के बाद मैं कंपैरिजन वीडियो जरूर आपके लिए लेके आऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।